गुड मॉर्निंग वेस्ट एजेंट्स। जैसे आप जानते हैं कि कोविड-19 दुनिया में एक बहुत बड़ी महामारी बन चुकी है। पूरा का पूरा देश, ना ही सिर्फ देश, पूरा का पूरा विश्व जो टोटल लॉकडाउन में। ऐसी सिचुएशन कभी आएगी कभी हमने सोचा भी नहीं था। क्या आप जानते हैं कि आज के दिन पे ना तो दुनिया भर में कोई हवाई जहाज उड़ रहा है, ना कोई ट्रेन चल रही है, ना कोई बस चल रही है। लाखों लोग कहीं कहीं फंसे हुए हैं। इतना बड़ा संकट शायद कभी दुनिया ने कभी ना देखा था, और भगवान ना करे कभी देखे। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर जान है तभी जहान है। सबसे पहला हमारा काम क्या है कि ना ही सिर्फ अपने देशवासियों वासियों की बल्कि अपने वेस्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स की जान बचे। इसी के करके हमने सारे के सारे वो स्टेप्स लिए हैं ताकि आप सब लोग सुरक्षित रह सके। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक और चीज कही, जान भी और जहान भी। यानी कि अगर जान बचेगी तभी जाके हम अपने जहान को बेहतर बना सकेंगे। इन्हीं चीजों के ऊपर काम करते हुए आपका परिवार वेस्टीज भी अपने लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए फ्री हमारे फूड सप्लीमेंट्स, बहुत गरीब लोगों को हम सपोर्ट कर रहे हैं ताकि उनको खाना मिल सके। हमारे हजार से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स जो अपने लेवल्स को क्वालिफाई नहीं कर सके, जो करते थे कंसिस्टेंटली, उनको हमने एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया है। और हम हमेशा वो कदम उठाते रहेंगे ताकि आप सबका बिजनेस करना बहुत आसान हो सके। आज के दिन पे मैं कुछ बेहतर अनाउंसमेंट्स करना चाहूंगा ताकि आपका बिजनेस आप आराम से कर सके। पहली चीज, कंसिस्टेंसी ऑफर को मार्च से लेके जब तक नॉर्मलसी नहीं होती तब तक हम उसके अंदर आपको छूट दे रहे हैं। यानी कि जब आप उसको कर सकें तो आप कीजिएगा और आपकी कंसिस्टेंसी मानी जाएगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कंसिस्टेंसी नहीं करनी, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंसी करेंगे तभी जाके आपकी वॉल्यूम्स बढ़ेगी और आपका चेक बनेगा। दूसरी अनाउंसमेंट जो मैं कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने फॉरेन ट्रिप के लिए लोन लिया था, जो हमारा बताया में क्या था, उसकी जो डिडक्शन हो रही थी, जब तक नॉर्मलसी नहीं आएगी हम आप उसकी डिडक्शन नहीं करेंगे। तीसरी चीज, जो आपका हर महीने ट्रैवल फंड बनता है और उसको हम होल्ड पे रखते हैं ताकि आप उसको फॉरेन ट्रिप पे इस्तेमाल कर सके, जब तक नॉर्मलसी नहीं होगी इसको हम होल्ड पे नहीं रखेंगे और हर महीने आपके चेक पे आपको मिलता रहेगा। इसके साथ साथ मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपना जीएसटी जो है वो जून के महीने में आप उसको जमा करवा सकते हैं। मेरी यहाँ पे जो आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट यह रहेगी कि अपनी ई ट्रेनिंग्स का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। राइट, ये टेक्नोलॉजी बनी इसलिए थी ताकि अपनी ट्रेनिंग्स अपने घर में बैठ के अपने लोगों के पास जा सके। आज के दिन पे वेस्टीज और हमारे लीडर्स मिलकर एक दिन के अंदर लगभग 200 से ज्यादा जूम ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। आने वाला समय लॉकडाउन के बाद 3 मई के बाद ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ नॉर्मल रहेगा, रिस्ट्रिक्शंस बहुत रहेंगी। 5 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे, ब्रांच के अंदर ट्रेनिंग्स नहीं हो सकेंगी, अवार्ड फंक्शंस नहीं हो सकेंगे, जब तक सब कुछ सामान्य नहीं होता। तो कहते तो यही है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अपनी तैयारी रखिए कि आने वाले महीनों में लॉकडाउन खुलने के बाद भी आप अपनी ई ट्रेनिंग्स करते रहें। वेस्टीज ऐप का भरपूर इस्तेमाल कीजिए ताकि आप अपने ऑर्डर्स वहां पे कर सकें और अपने लेवल्स मेंटेन कर सकें, आपके पास इनकम आती रहे। क्या आप जानते हैं, सब लोग कह रहे हैं कि लगभग 42 करोड़ लोग शायद अपनी नौकरी गंवा दें इस कोविड-19 के बाद, पर हमारे वेस्टीज लोगों को इसकी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आपके लेवल सेफ हैं, आपके लेवल्स परमानेंट हैं और आप जब चाहे वहां से आगे बढ़ सकेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि आने वाले टाइम पे डिलीवरी भी एक चैलेंज होगा, तो आप मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कीजिए अपने ऑर्डर के लिए ताकि आपके ऑर्डर पैक करके हम रखें ताकि आप ऑफिस में आए सर ऑर्डर पिक करें और चले जाए, क्योंकि ऑफिस के अंदर भी शायद 5 लोगों से ज्यादा एक टाइम पे कोई नहीं आ सके। वेस्टीज हमेशा आपके साथ है, क्योंकि मैं हमेशा जो कहता था कि हमने वेस्टीज को बनाया ही इस प्रकार से है ताकि कोई भी संकट आए उसके अंदर से भी हम बिल्कुल शक्तिशाली और स्ट्रांग निकले, और स्ट्रांग हम तभी हैं जब आप लोग हमारे साथ हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि काइंडली लोगों के ऊपर दर्द और दया का ध्यान रखें। जिन लोगों की मदद की जरूरत है उनको आप आगे बढ़ के मदद कीजिए, जो हमारे परिवार का संस्कार है, हमारा कल्चर है। अपने आप को सुरक्षित रखिए, आगे समय बहुत बेहतर हमारे लिए होगा जिसके करके हम लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड विश यू वेल्थ।